ये मजीसी सवाल जवाब उर्दू की गुज़श्ता साल पहली दफ़ा जलसे की रवायात में दाखिल हुई है और इस वजह से जब मेरे सामने ये पेश किया गया तो मैंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं, ये मजारी सवाल जवाब का मौका नहीं है। मगर अमीर साहब ने मुझे बताया कि गुज़श्ता अमीर साहब आफ्ताब अहमद ख़ान साहब ने इसरार के साथ मुझसे ये मंजूर करवाई थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि बहुत से टेलीविज़न देखने वालों की ख्वाहिश होती है कि वो ख़ुद ऐसी मजलिस में शामिल हों, तो उर्दू दान तबके के लिए भी खुसूसन जो पाकिस्तान या हिंदुस्तान वाले से आएँ ऐसी मजलिस की ज़रूरत है। चूँकि मुकर्रम आफ्ताब अहमद ख़ान साहब का ये पहली दफ़ा जलसे के इंतज़ाम में एक मुजवजा प्रोग्राम था, इसलिए ज़्यादातर उन्हीं के एहतराम में मैंने इसे इस दफ़ा फिर कबूल कर लिया है। मगर मैं समझता हूँ कि इसे मुस्तकिल जलसे की इसका हिस्सा बनाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में मुझसे मिलते रहते हैं, सवाल जवाब होते रहते हैं, पाकिस्तान से भी लोग लिख के पूछ लेते हैं, तो इस मौके को हम मुलाकातों के लिए या बाज़ और दीगर प्रोग्रामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये मुस्तकिलन जलसे के निज़ाम का हिस्सा बनी रहे, मगर आज बहरहाल इंशाअल्लाह ताला मेरी से सवाल जवाब उर्दू में होगी। और मेरी दरख्वास्त है कि जर्मनी या नॉर्वे या यूरोप के दूसरे ममालिक से आए हुए अहबाब इसमें हिस्सा लेने से इज्तनाब करें, क्योंकि उनके यहाँ तो मैं जाता ही रहता हूँ। ज़्यादातर पाकिस्तान से आने वाले ऐसे दोस्त जो मुस्तकिल में वहीं रहते हैं उनको हक़ देना चाहिए कि ज़्यादातर वो सवाल करें, या फिर बांग्लादेश के उर्दू जानने वाले या हिंदुस्तान के उर्दू जानने वाले वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इजाज़त तो आम है, आप सब हिस्सा ले सकते हैं उसूलन, मगर मेरी दरख्वास्त है कि अपने हक़ को छोड़कर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी और बांग्लादेशी आने वाले मेहमानों के लिए इस हक़ को इस्तेमाल करने दें, उनको यह हक़ इस्तेमाल करने दें। जज़ाकुल्लाह। आपने मुनज़्ज़म मुरतब कर लिए हैं साहब? जी हुज़ूर कर लिए। हुज़ूर इस वक्त 10 के करीब अहबाब सवाल करने के लिए मौजूद हैं जी, लेकिन उनमें जर्मनी के और दूसरे भी थे, अब हम जर्मनी के अहबाब भी उनमें शामिल थे। नॉर्वे को तो मैंने देख लिया, नीचे उतर के बैठ उन्हें निकाल देते हैं। अभी कुछ से सूत्र हैं नॉर्वे साहब और लजना और कोई जर्मन हो तो उससे भी यही दरख्वास्त है, वो भी नीचे बैठ जाए। ये सब ये आ गए, उतर गए। कौन चले? अब कितने बाकी रह गए हैं? पांच। पांच जी। देखें कितने हैं? पांच। बीच की कुर्सी खाली है? जी हुजूर। ठीक है, ये पांच शुरू करेंगे, फिर इस दौरान अगर किसी और ऐसे दोस्त को सवाल की ज़रूरत महसूस हो जो बाहर से आए हुए हैं जी, यूरोप के अलावा जी, फिर उनको मौका देंगे। लजना की तरफ भी माइक मौजूद है, उससे भी इम्कान है। लजना मंतजम है, अब शुरू कीजिए।